हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। मैं ये वीडियो इस रात को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक मेडिटेशन में थी, और फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ कि आज के दिन मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक फुल मून है, पूर्णिमा जिसे कहते हैं। इस दिन मेडिटेशन से आपका माइंड बॉडी सोल तो अवेकन होगा ही होगा, आपकी इच्छा पूर्तियाँ भी होंगी। मतलब जो आप विशेष रखते हैं अपने अंदर, वो आपको लगेगा कि हाँ, हमने अपनी विश की एप्लीकेशन भगवान को दे दी है। ठीक है ना? तो अगर आप इस समय मुझे देख रहे हैं, उठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में बहुत परेशान हैं और उठे ही रहते हैं, और लेट नाइट उठे रहते हैं और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं उठ पाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अगर आप उठे हुए हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करें, यहाँ वहाँ की वीडियोस ना देखें। ठीक है? परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम है अपनी नेगेटिविटी को हटाने का। ठीक है? अब हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की, कि गुरु पूर्णिमा के दिन तो आपको पता ही है कि गुरु की पूजा की जाती है। आपके जो भी गुरु हैं, आप उन्हें धन्यवाद और प्रणाम करें। आज का दिन इसी के लिए है, यानी कि आपने अपने गुरु से या टीचर से, जो भी हैं जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, जिनके आने से आपके जीवन में बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, जो कि आप अगर वो ना आते तो आपको समझ नहीं मिल पाती। तो अगर इस तरह के गुरु आपके पास हैं तो आप बहुत लकी हैं, तो इसीलिए आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड में रहें, धन्यवाद करें। आज का दिन ही इसलिए है। आपको पता ही है, क्योंकि ईश्वर से पहले गुरु का स्थान होता है, ये आप पहली बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसलिए अपने गुरु को प्रणाम ज़रूर करें। 4 जुलाई, जैसे आज है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 4 जुलाई को 11:33 मॉर्निंग से 5 जुलाई 10:13 मॉर्निंग तक, मतलब आज सुबह 11:30 बजे से लगा लीजिए और कल सुबह 10:15 बजे तक लगा लीजिए। तो ये जो है इसका टाइमिंग है। और आज ये भी बता रही हूँ मैं कि मैं मेडिटेशन में क्यों थी, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण था, लूनर एक्लिप्स कहते हैं इसे, और इसका असर गर्ल्स पर या लेडीज़ पर बहुत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है वो मन का कारक होता है, और लेडीज़ का मन काफ़ी सेंसिटिव होता है, वो सिक्स सेंस को भी जान जाती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं वो, उनको पता चल जाता है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, क्या इंटेंशन है, तो मन से बहुत प्रभावित होते हैं वो, और चंद्र मन का कारक है। तो इस समय बहुत सी बातें हो जाती हैं, जैसे कि जैसे ये लूनर एक्लिप्स है, मान लीजिए अभी चल रहा है, और इस समय अगर आपको कल से, क्योंकि 3 डेज़ का होता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है, चंद्र ग्रहण से पहले दिन और चंद्र ग्रहण के दिन और उसके नेक्स्ट डे तक आप ऐसे रहते हैं जैसे आपके अंदर से कोई एनर्जी खींच ली गई हो। और अगर आप बहुत अवेकेंड हैं और पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए इन दिनों बहुतों को बताऊं, साइकिक अटैक्स होते हैं। साइकिक अटैक्स को आप गलत तरीके से मत लीजिए। साइकिक अटैक्स मीन्स जैसे आप अवेकंड हैं या नहीं भी हैं, तो असर तो दोनों पे होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंड में हैं कि आपके अंदर गुस्सा भी है, वो भी है, शक है, कन्फ्यूजन है, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, वो काम होगा कि नहीं, या मेरी विश कब पूरी होगी, इस तरह के सवाल हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, परेशान हैं, तो आप नेगेटिव एंटिटी हैं। और ऐसे में लूनर एक्लिप्स के टाइम, उस दिन या उससे पहले या उसके बाद, लेकिन बेसिकली उस दिन, तो क्योंकि मूड ख़राब होना एक दिन पहले शुरू हो जाता है, और उस दिन आपका किसी से बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आप गिल्ट में भी होते हैं, एंगर में भी होते हैं, तो उस दिन आपको बहुत बहुत रोना भी आ सकता है। जैसे आज का दिन है, लूनर एक्लिप्स है, कल के दिन से आपका मूड ख़राब रहा होगा, तो आज आपका किसी ना किसी से ज़बरदस्त लड़ाई हो सकती है, फ़ोन पर, वीडियो कॉलिंग पर या घर पर।
कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। अगर आप अवेकन तो हैं लेकिन नेगेटिव सोच भी रख रही हैं तब, और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, तो साइकिक अटैक में रोना बड़ा ज़बरदस्त आता है भाई। इतना आता है कि मैं तो आज सुबह से ऐसे ही थी कि जैसे ही दीप जलाया इतना रोई मैं, इतना रोई कि वो तो मैं रूम ऑफ बंद करके, दोनों साइड से गेट बंद करके तब बैठती हूँ। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है। फिर ध्यान आया आज तो लूनर एक्लिप्स है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, तो ईश्वर आपको कुछ विजुलाइज करवाता है। कुछ मेडिटेशन के दौरान ही आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलता है आपको जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो उसका सॉल्यूशन जैसे ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा हो, इस तरह का आपको विजुलाइज होता है, दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे कहीं कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, या क्या हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, या कुछ हो चुका है, ये आपको नज़र आने लगेगा। कौन क्या किसके बारे में बात हो रही है उसकी पिक्चर आपके आंखों के आगे आ जाएगी, अगर आपकी आंखें बंद हैं तब भी। मेडिटेशन में बैठे हैं, लूनर एक्लिप्स का दिन है, और तब आपको कोई ना कोई ऐसा नज़र आ जाएगा, आपको लगेगा कि कोई किसी के बारे में मुझे कुछ कहना है, या कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, या कुछ घटित हो गया है। अब क्या हो गया है वो आपको पता होगा, अगर आप अच्छे पॉजिटिव माइंड में हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ या किसी और जगह, मेरे ही किसी रिश्तेदार के साथ या मेरे फ्रेंड के साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, ये आप पता कर सकते हैं। आप उसे कॉल कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा कि अरे हाँ, ये तो मैं मेडिटेशन के दौरान देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। तब आपको समझ में आएगा हाँ, ये ज़रूर एक साइकिक अटैक होता है जो लूनर एक्लिप्स के डे में काम आता है, दिखाई देता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं और सुबह से अगर मेडिटेशन पे नहीं बैठे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपका थैंक यू कहती हूँ और आपको ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। लेकिन अगर नहीं बैठे हैं, परेशान ही चल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन में हैं और दुखी हैं, दुखी मत होइए। देखिए, दुख के बाद सुख आता ही है, दुखी मत हुआ कीजिए। दुखी होने के लिए हमने यहाँ जन्म नहीं लिया है। तो आप दुखी हैं अगर थोड़ा भी, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन का मतलब है आप अपने ध्यान में जाइए, सीधे बैठिए, आराम से रहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड में रहिए कि हे ईश्वर, तूने मुझे बैठने लायक बना रखा है, तूने मुझे सांस मेरी तू दे रहा है, आ रही जा रही है, मुझे सांस लेने के लिए कुछ तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ रही, मेरी सांसें अपने आप चल रही हैं, मेरे पास खाना है, इनफ फूड है, अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हैं, मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है। इसके लिए हमेशा थैंक यू कीजिए। बहुत से लोग हैं जो बिना पानी के मर जाते हैं, बिना खाए मर जाते हैं, उनके पास तन में ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता। आपके पास सब कुछ है, आप एक बढ़िया छत के अंदर बैठे हुए हैं, हो सकता है एसी कूलर में बैठे हों इस टाइम। तो अपने हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहें, इस फ़ोन के लिए थैंक यू कहें जो आपके हाथ में है, जिसके कारण आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो गुरु पूर्णिमा हो गई, आप अपने जो भी गुरु मानते हैं, जो कोई जीवित गुरु हैं या जीवित नहीं हैं, या इष्ट देव को मानते हैं, उन्हें ज़रूर मानिए। इष्ट देव का पता करने के लिए आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको या तो पहले से पता होगा, या पता नहीं है तो आप अपने गांव में, जो आपके विलेज होते हैं ना, वहाँ आपके गोत्र के कौन से लोग कौन से भगवान को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं, वो ऐसे कौन से देवी या देवता हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं, ठीक है। या फिर ये भी नहीं पता चलता तो फिर जिनके लिए भी आपके मन में प्यार उमड़ता है ना,
कि हाँ, मुझे तो बस सत्यनारायण भगवान जी के ऊपर ही प्यार उमड़ता है कि यही है मेरे भगवान। इनको देख के मैं, उनकी तस्वीर देख के मैं अट्रैक्ट होता हूँ या होती हूँ, या माँ दुर्गा हैं उनकी तस्वीर देख के मैं अट्रैक्ट होती हूँ, मैं झुक जाती हूँ, या गुरु नानक जी हैं उनकी तस्वीर देख के मैं अट्रैक्ट होता हूँ, या उनकी वाणी सुन के, उनके लेख पढ़ के मैं हतप्रभ हूँ, उनसे मेरा जीवन बदला है। जिनसे भी आपका जीवन बदला है, जिनको पढ़ के सुन के देख के, जीवित हैं या नहीं हैं, वही आपके गुरु हैं। आप उन्हें प्रणाम कीजिए, आज उन्हें प्रणाम करने का दिन है। और चंद्र ग्रहण है, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि मेडिटेशन से आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, भगवान आपको सपने में आके दर्शन दे सकते हैं, या कोई ऐसी आकाशिक आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है कि ये करो, ऑर्डर्स सुनाई दे सकते हैं कि अब ये करो, मेरा व्रत करो, इतने दिन तक मेरा व्रत करो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी होता है, विजुअलाइज भी होते हैं समटाइम्स, सूर्य भगवान भी आपको विजुअलाइज होते हैं, मालूम है आपको? अदरवाइज आप सोचते हो ये तो सूरज रोज़ निकलता है, रोज़ ढलता है, चांद भी रोज़ आता है, रोज़ छुप जाता है, ऐसा नहीं है। ये सभी ईश्वर हैं, कहते नहीं है कण कण में भगवान है, तो बस आप यही मान लीजिए कण कण में ईश्वर है। अच्छे आदमी में भी, बुरे आदमी में भी, सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन वो उनके ऊपर होता है कि उसने अपनी बैड एंटिटी को ज़्यादा जागृत कर रखा है, या गुड एंटिटी को, अपने गुड सोल को ज़्यादा जागृत कर रखा है या बैड सोल को, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कर्मों के ऊपर। आप उसके कर्म को देख कर जान सकते हैं, है ना? मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि कल सुबह 10:13 तक गुरु पूर्णिमा लग रही है, ठीक है? तो इस रात को तो क्या नहाएंगे धोएंगे, इस टाइम आप पूर्णिमा है, आप चंद्र पूर्णिमा जिसे पूर्णिमा कहते हैं ना, तो चंद्र ग्रहण भी है, तो इस समय आप मेडिटेशन पर बैठ जाएं, और इसको जो कल गुरु पूर्णिमा है इसे सेलिब्रेट ज़रूर करें। सेलिब्रेट करने के लिए हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से शांति से रहें, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सब जब ढिंढोरा पिटा जाता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी काम हो, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा पकाने जा रहे हैं, कुछ अच्छा वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप अपनी शादी करने जा रहे हैं, ढिंढोरा पिटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करना हो ना, शांति से करो, ग्रेटिट्यूड में होके करो, ईश्वर का पहले धन्यवाद करो, चुपके चुपके करो, सक्सेस अपनी चुप चुपचाप होनी चाहिए। हल्ला तो बाद में आपकी सक्सेस मचाएगी ना, है कि नहीं? तो आराम से रहें, शांति से रहें, सेलिब्रेट करें, धन्यवाद करें। अब सुबह जैसे उठेंगे, अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेडिटेट करें थोड़ी देर और फिर सो जाएं। सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगा सकते हैं तो लगाएं, जल्दी उठ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है? तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फ्रेश हो जाइए फटाफट, दीप जलाएं, पूजन करें, मोबाइल को साइड कर दें। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में रहेंगे ना, उतना आपको तकलीफ़ रहेगी, दिमाग में वही घूमेगा, भगवान साइड हो जाएंगे। तो भगवान को अपने अंदर लाना है पहले, बाकी चीज़ें बाद में है। तो ईश्वर का धन्यवाद करें, उनको थैंक यू कहें, मन ही मन अपने गुरु को थैंक यू करें, या अगर आपके जीवित गुरु हैं, आपके आसपास हैं, तो आप उन्हें भेंट देने जा सकते हैं, कोई गिफ्ट देने जा सकते हैं, उनके पैर छूने जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, है ना, और उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, तो थैंक यू करके उनको आ सकते हैं। और बताऊँ, गुरु पूर्णिमा को आपको पता ही होगा, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि जो ऋषि वेद व्यास जी है ना, उनके बर्थडे के रूप में ये मनाया जाता है, उनका बर्थडे, उनके बर्थडे को हिंदी में जयंती कहते हैं, तो वेद व्यास जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ही तो चारों वेद लिखे थे, और महाभारत जैसा एपिक है ना, वो इन्होंने ही लिखा था। तो नमन है श्री ऋषि वेद व्यास जी को मेरा भी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने, माँ दुर्गा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मेरे सभी डिफ़िकल्टीज़ को, मेरे अपने ईगो को निकाल कर बाहर लाए, सरफेस तक लाए, और उसे ख़त्म करने में मदद मिली, और हमारे रिश्तों को हार्मनी में लेकर आए। माँ दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी इष्ट देव तो माँ चामुंडा देवी हैं, हमारे गांव की भी माँ चामुंडा देवी इष्ट देव हैं, तो मैं उन्हीं को पूछती हूँ, ठीक है? तो आप ये कीजिए, अगर जैसे मेडिटेशन में बैठे हैं, आप दुखी हैं, आप कहेंगे उसने मुझे दुखी किया, आप रो रहे हैं रो रहे हैं, ये मत कीजिए। आप उसको, अगर जिसने भी आपका दिल दुखाया है, कोई भी हो, आपके ब्लड
ग्रुप में भी हो सकते हैं, अपने घर के लोग भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई और एल्डर्स भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया ना, उनको शुक्रिया करने का टाइम है। शुक्रिया, आप कहेंगे शुक्रिया कैसे करें, हाँ जी कीजिए शुक्रिया, थैंक यू कीजिए उनका, क्योंकि उनसे ही तो आपको लेसन्स मिले हैं, उन्होंने ही तो आपको सबक सिखा रखे हैं ज़िंदगी के। अगर उनसे आपको धोखा मिला, अगर आपसे उनका दिल टूटा, तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि किन लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, कहाँ कितना विश्वास करना है, कौन कितने पानी में है, आपको ये तो समझ में आ गया ना। आंखें खोली हैं ऐसे बुरे लोगों ने, आपकी आंखें खोली हैं, उन्हें थैंक यू कहने का टाइम है। तो उन्हें ब्लेसिंग्स भेजें, गॉड ब्लेस यू कहें, थैंक यू कहें। और जो आपका दिल दुखा रहे हैं और आप उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं ना, क्या करें, तकलीफ़ तो बहुत होती है, बहुत प्यार करना वाला बहुत दिल दुखाता है ना, तो वो दिल दुखने का जो इंटेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उसके लिए बुरी भावना भी नहीं निकल पाती है, दिल घुट के रह जाता है। तो ऐसे में आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिए, आई लव यू बोलिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, ठीक है ना। ये बहुत काम आता है, करके देखिए, ये वर्ड्स बहुत काम करते हैं, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो। ईश्वर लैंग्वेज को नहीं समझता, लेकिन आपकी वाइब्रेशन को ज़रूर समझता है। ईश्वर आपकी वाइब्रेशन को सुनेगा, समझेगा। ईश्वर यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये आपका कमरा, ये आपका फ़ोन, ये हर कोई आपको सुन रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल, जो भी बोले ध्यान से बोलें, अच्छे से रहें, ठीक है। हाँ, मैं गुरु पूर्णिमा में एक ओंकार गाकर गुरु नानक जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, और थैंक यू सो मच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी वी सच। सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवा चुप्पे चुप न हो वही जे लाई रहा लिवता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालक होए ता इक न चले ना केव सचिया रा होइए केव कूड़े टुटे पाल हुकुम रजाए चलना नानक लिखिया नाल। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गुरु नानक जी का यही कहना है कि ईश्वर एक है, सब कुछ एक है, कर्ता पुरख एक है, हर कोई एक है, ठीक है, हर धर्म एक है, हर इंसान एक है। बस हमें करना क्या है, ईश्वर के साथ चलना है, जो नानक कहते हैं उसके साथ चलना है, जो ईश्वर कहता है, जो ब्रह्मांड कहता है, जो आपका दिल कहता है, आपका हार्ट कहता है, आपका मन कहता है, वही करना है, वही मन के अंदर ईश्वर, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जब बहुत मुसीबतें होती हैं ना, तब कोई साथ नहीं चलता, जब बहुत सारी सोच हो तो भी इंसान समझ नहीं पाता, बहुत सारी पकवान जैसे रख दिए जाएं जैसे सबके सामने, भुक्के के सामने, तो वो सब कुछ खा नहीं पाता। तो इस डीप अर्थ इसका यही है कि आप ईश्वर को ध्याओ, यहाँ वहाँ मत भागो,
पैसे के पीछे, किसी आदमी या औरत के पीछे मत भागें। आपका अपना प्यार आप खुद हैं। सेल्फ लव कीजिए। कोई और आपको प्यार इतना नहीं करेगा जितना आप करते हैं, ठीक है। आपके अंदर ईश्वर है, आप अपने ईश्वर को तो प्यार नहीं करते, आप किसी और को क्या प्यार देंगे या किसी और से क्या प्यार पाएंगे। पहले अपने आप को प्यार कीजिए। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शेयर करके। आप अभी देखना चाहें तो अभी देख रहे हैं वीडियो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। कल सुबह देखेंगे तो प्लीज़, हे ईश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सुबह 8-9 बजे के करीब आप लोग सब इस वीडियो को देख लें, ताकि गुरु पूर्णिमा संपूर्ण होने से पहले आप जो मैं बता रही हूँ, मैं तो क्या बता रही हूँ, ईश्वर मुझे कह रहे हैं कि चल बैठ वीडियो बना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो कठपुतली हूँ, ईश्वर जैसे चला रहा है वैसे चलना है, हुक्म रजाई चालना नानक लिखिया नाल, ठीक है ना। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि 8 से 10 के से पहले पहले आप ना इसको वीडियो को देख लें, मेडिटेशन करें, अपने चाहने वालों और ना चाहने वालों का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करें मुझे देखने सुनने के लिए। थैंक यू सो सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।